तो आज डे है सैटरडे और आज मैं सारे ही काम से फ्री होके मैंने सोचा कुछ बनाया जाए DIY हैंगिंग प्लांटर्स। तो ये मेरे पास दो डिब्बे पड़े हुए थे तो मैं और दोनों ही ये सेम है, तो इसमें मैंने क्या किया होल कर दिए। और जैसा कि आपको पता है मैं काफ़ी सारे होल्स करती हूँ जिससे इनका ड्रेनेज अच्छा बना रहे, पानी इसमें रुके नहीं। और ऊपर भी दो होल कर दिए जहाँ से मैं हैंगिंग इनके लगाऊंगी। अब मैं भी क्या बोलूँ, अब इससे मैं इसमें होल कर रही हूँ अच्छे से। और होल करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी इसमें, सबसे पहले एज़ यूज़ुअल हम करेंगे इसमें वॉल पुट्टी का अच्छे से पेस्ट बनाकर कोट। और ये करने का रीज़न ये रहता है, अब मैं वॉल पुट्टी का ये वाला लाती हूँ, बिरला वाला वॉल पुट्टी का, तो होता क्या है ये वो जो डिब्बा पहले आता था वो बहुत कॉस्टली हो गया है प्राइमर का, इसलिए मैं आजकल यही ला के इसी को यूज़ में लेती हूँ। इसमें क्या होता है जस्ट वॉल पुट्टी के इस पाउडर में आपको जस्ट पानी मिला के ये पेस्ट लगाना होता है। और एक रीज़न ये भी, वो डिब्बा मेरे पास था भी नहीं, ख़त्म भी हो गया, तो कॉस्टली तो हो गया वो तो बात है, मगर लाना पड़ेगा क्योंकि इसका सरफेस आप देखेंगे ना तो फ्लैट नहीं होगा, जैसे उस प्राइमर से हो जाता था एकदम फ्लैट सरफेस हो जाता था। और अब इससे क्या ये कौन सी वीडियो आ गई, तो हुआ क्या इसके बीच में दूसरी क्लिप आ गई तो उसको मुझे डिलीट करनी पड़ी। तो हुआ क्या, सबसे पहले मैंने इस पर इस तरीके से कोट कर दिया और इसे सूखने के लिए रख दिया था वॉल पुट्टी का। तो वॉल पुट्टी कहाँ, जैसा कि मैं कह रही थी इसका टेक्सचर आप देखो, इतना इसकी लेयर इस तरीके से आई है, ठीक है। या तो हम सस्ती चीज़ देख लें या महंगी चीज़ अच्छी देख लें, वो वाली बात हो गई है इसमें। तो इस तरीके से मैंने इसकी सरफेस पे अब जैसे तैसे पेंट कर दिया, जो चीज़ बनाने जा रही हूँ इतनी अच्छी तो नहीं बनेगी फिर भी चलो काम चला वो बन जाएगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों पे वॉल पुट्टी का पेस्ट सूखने के बाद एक्रेलिक दो शेड कर दिए हैं, एक में ये ऑकर कलर किया है, दूसरे में मैंने स्काई ब्लू कलर किया है। अब आगे देखिए मैं इस पर क्या बनाती हूँ, आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आपको पता है कि क्या करना है। आज ये बात मैंने स्टार्टिंग में नहीं की, एंडिंग में नहीं की, बीच में ही कह दी वीडियो की। और अब क्या करूँगी मैं इसमें डायरेक्ट ही वो बनाऊँगी, पहले ब्रांचेस बनाऊँगी और इस पर मैं बनाऊँगी दो पैरेट, जैसे दोनों पैरेट एक दूसरे को देख रहे हो वैसे बनाऊँगी। तो पैरेट को बैठाने के लिए चाहिए हम सबसे पहले हमें ब्रांच। तो हुआ क्या, अभी इसका सरफेस जैसा कि आपको दिख रहा है बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है, तो ड्रॉ तो कुछ हो नहीं पाएगा और कलरिंग में भी बहुत दिक्कत आएगी। तो मुझे वीडियो को थोड़ा बंद करके वापस आराम से इसको मतलब वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छे से बनेगा नहीं। सरफेस अगर फ्लैट होता तो बहुत अच्छे से बन जाता। तो इतनी इतनी ब्रांचेस देखो मैंने बना दी दोनों तरफ ही, और एक पैरेट भी ड्रॉ कर लिया। पैरेट थोड़ा सा हल्का फुल्का मैंने पिंक स्केच पेन से ड्रॉ कर लिया, जस्ट उसकी पोजीशन लेने के लिए कि उसे मुझे कहाँ बनाना है। और एक में कलर करके भी देख लिया। तो इसमें जब कलर किया ना तो ये क्या खिल नहीं रहा था, मगर बाद में हम इसमें शेड वगैरह देंगे तो पैरेट अच्छे से खिल जाएगा। तो अब हम फटाफट तैयार कर लेते हैं दोनों ही बॉटल्स में अपने ये पैरेट बना लेते हैं। और क्या इसमें क्या ग्रो करूँगी, क्या लगाऊँगी, कोशिश करूँगी कल ही इसमें कुछ लगा लूँ। तो ये देखो इस तरह से ऐसे जब ये हैंग करेंगे ना दोनों साथ में लगाऊंगी तो ऐसा लगेगा ये दोनों पैरेट एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इस तरीके से, और इसकी वीडियो भी अभी मैं अभी अपलोड कर दूंगी, घड़ी में बज गए हैं, कितना बज रही है 9 बज गए हैं। मैं फटाफट इस वीडियो की एडिटिंग वगैरह करके इसे अभी अपलोड करने की कोशिश करूँगी क्योंकि बहुत ईजी है। इसके बाद मैं इसे मेरे पास क्राफ्ट जैसे मैं सिखाती हूँ तो मेरे पास सूतली वगैरह होती है तो वो लगा देंगे साइड में जहाँ से मैंने दो होल्स किए हैं। अब पैरेट हमारे सूख गए हैं ना, तो अब इस पर हम थोड़ा थोड़ा सा नहीं पैरेट हमारे गीले हैं तो अभी हम फ्लावर का काम करेंगे, क्योंकि अगर मैं पैरेट के ऊपर कोई कलर करने बैठी तो फिर वो नहीं हो पाएगा बिकॉज ये एक्रेलिक कलर है और सर्दी में कलर थोड़ा सूखने में टाइम लगाते हैं। तो इस तरीके से मेरे ये फेवरेट फ्लावर्स जो मैं हमेशा बना लेती हूँ वो बना लेते हैं। देखो उस पर वाइट कलर कितना अच्छे से खिल के आएगा, उसके बीच में वो जो डॉट्स होगी वो ऑरेंज कलर की बनाएंगे, बाद में इसमें हम डार्क ग्रीन कलर की लीफ भी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से फटाफट ये बना देते हैं पैरेट्स वगैरह लीफ वगैरह। तो इस तरह से ये तैयार है। अब इसमें लीफ की कमी लग रही है तो अब हम लीफ बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहले इसकी बीक बना देती हूँ, पैरेट की बीक और नेक का वो रेड कलर से कर देंगे। पैरेट बनाने के बाद में सबसे लास्ट में ही फिर हम बनाएंगे लीफ। तो इस तरीके से हमारे पैरेट तैयार हो चुके हैं और अब हम डार्क ग्रीन कलर से इनकी लीफ भी बना देंगे। पैरेट्स को मैंने थोड़े से हाईलाइट भी कर दिए हैं, मतलब उसके विंग्स में डार्क ग्रीन कलर ब्लैक कलर करके शेड डाल दिया है।
तो इस तरीके से अब मैं बना दूंगी इसमें लीफ, 3-3 लीफ का बंच बना के इसमें इस तरीके से अनइवन तरीके से रहता है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें मैंने 6 नंबर का ब्रश यूज़ में लिया है और कलर में डिप किया और कर दिया। तो इस तरीके से तैयार है हमारी ये DIY हैंगिंग प्लांटर्स। इसमें क्या लगाऊंगी वो आपके साथ में आगे वाली वीडियो में शेयर करेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो आपको पता है कि क्या करना है। ओके बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।